गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस. बेटा, आई हैव लिसन सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू यू. सम स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो बेटा, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्ट्री टॉपिक, यू कैन कॉल मी ऑन पर्सनल नंबर. ओके बेटा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा. मैं एक एक लाइन का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कॉल कीजिए, ठीक है? नाउ आज लेते हैं अब्बासिद रेवोल्यूशन. अब्बासिद कौन थे? अब तक अपन ने पढ़ा उमायद जो थे. नहीं बेटा, नेम्स अलग अलग हैं, मैं मानता हूँ ये नेम्स आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, अब आपको ये सुनना पड़ रहा है. बेटा, इसको एक कहानी की तरह सुनोगे, समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा, ठीक है? तो अभी मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ. तो अब्बासिद जो रेवोल्यूशन था उसकी बारे में अपन बात कर रहे हैं. अब्बासिद कौन थे? क्या हो बेटा, पहले उमायद जो एक डायनेस्टी थी वो चल रहे थे. उमायद के बाद में अब्बासिद करके ही पर्सन आया. ये क्या थे? ये प्रोहपेट जो मोहम्मद जो थे उनके जो अंकल थे उनके ये वंशज वगैरह थे. ये क्या चाहते थे कि उमायद के ऊपर से कंट्रोल लेके अपने कंट्रोल लेना चाहते थे. और इन्होंने क्या किया, जो जो उमायद से जो लोग परेशान थे उन सबको इन्होंने एक कर लिया. फिर उन्होंने उनके साथ में वॉर किया, उनको हराया, ठीक है? सिंपल सी बात है. अब थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको समझा देते हैं. फॉर देयर्स, अच्छा, जो उमायद जो थे उन्होंने मुस्लिम रिलीजन रीजन को सेटअप करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट पे करी. उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट था दावा ब्रॉट डाउन द उमायद एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली. अच्छा बेटा, ये तो मैंने पढ़ा दिया था दावा सिस्टम वाला, मैं नीचे वाला एक टॉपिक ले लेता हूँ. जो अब्बासिद जो थे ये कौन थे? जैसे मैंने बताया प्रोहिबिट जो मोहम्मद जो थे उनके जो अंकल थे उनका नाम अब्बास था, उनके वंशज जो थे उन्हीं को ही अब्बासिद बोला जाता है. इन्होंने उन उमायद से जो डिफरेंट मतलब उमायद से जो परेशान जो लोग बाग थे, क्योंकि नेचुरल बात है कोई भी राजा बनता है उसे सभी लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, तो इन्होंने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया. अच्छा, उमायद जो थे उन्होंने कुछ कास्ट से ये प्रॉमिस कर दिया था कि हम आपको बेहतर जीवन देंगे, लेकिन उन्होंने अपने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, तो वो लोग जो थे वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए. तो जो अब्बासिद जो थे उन्होंने जनता के सामने गए, पीपल्स को समझाया कि अपन जो है प्रोहबिट मोहम्मद जो साहब है उन्हीं का ही कोई वंशज आएगा, मसीहा आएगा, और वो हम सबको इस उमायद से बचाएगा, ठीक है? जो एक विरोधी दल जो अब्बासी जो थे वो बना रहे थे उसका जो एक लीडर था ईरानियन स्लेव था जिसका नाम था अबू मुस्लिम, ठीक है? उसने उमायद का जो खलीफा जो था मारवान उसको एक बैटल में हराया. और कहाँ पे हुई वो बैटल? एक रिवर थी जैब, उस रिवर के पास ये बैटल हुई. बस सिंपल सी बात है, किसने किसको हराया, ठीक है? अंडर अब्बासी रूल. अब क्या होता है बेटा, कोई भी जब नया राजा आता है तो पुराने राजा के जरिए जो काम वाम हो रहे थे उनमें से उनको अपडेट कर देता है. जो उसको अच्छा लगता है उसको चालू कर देता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता उसको वो चेंज कर देता है. तो अब क्या हुआ, अब्बासिद जो थे वो रूल करने लग गए, उन्होंने उसको हरा दिया. अब ये क्या करने लगे, अरब इन्फ्लुएंस जो था, जो पहले उस एरिया के ऊपर अरब का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा हुआ था, अब इन्होंने क्या किया उस अरब के इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया. क्योंकि अगर अरब का ही इन्फ्लुएंस बना रहेगा तो वो क्या करेंगे, आज मैं किसी राजा को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है? वो राजा को आपने किसी तरह से लोगों ने विद्रोह हुआ रेवोल्यूशन हुआ उसको चेंज कर दिया, मैं तो पावर में हूं ही, मेरी पावर चेंज नहीं की गई है और कोई दूसरा राजा बन गया तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा एक ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन जो है उस पहले वाले राजा के साथ में बना हुआ रहता है, तो मैं जाने अनजाने उसकी हेल्प जरूर करूंगा. तो इसीलिए राजा क्या करते थे, पुराने लोगों को हटा दिया करते थे और अपने बंदे सेट कर दिया करते थे. हर लड़ाई में आपने देखा होगा, हर राजा के साथ में भी ऐसा ही होता है, कोई भी जब वॉर होता है तो हर बार राजा अपनी कैपिटल चेंज कर देता है. कैपिटल क्यों चेंज करता है, क्योंकि बेटा वो राजा उस कैपिटल के अंदर रहता है. तो वो जैसे मान लीजिए कभी कोई राजा था वो दिल्ली के ऊपर अपना पावर कैपिटल बना रखी थी, कुछ राजा रूलर्स ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जैसे अकबर के बारे में फतेहपुर सीकरी को उसने अपनी कैपिटल बना लिया था. तो जो राजा को जब जहां लगता है कि यहाँ पे मैं सेफ रहूंगा तो वो उस एरिया में अपनी कैपिटल बना, मतलब
जैसे ही राजा चेंज होंगे, रूलर्स चेंज होंगे, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सिंपल सी बात है, चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जब अरब इन्फ्लुएंस कम हुआ तो किसी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो ईरानियन जो पीपल थे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उनका जो कल्चर था वो बढ़ने लगा। अब्बासिद ने अपनी नई कैपिटल बना ली एट बगदाद, पहले कहीं और थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और बगदाद नियर द रुइन ऑफ, बगदाद के पास में एक सिटी था, मेट्रोपॉलिटन सिटी था, जो क्या कहते हैं बिगड़ गई थी, वो सिटी ध्वस्त हो गई थी सिटी, उसका नाम था टेस्टिफोना, ठीक है। आगे चलते हैं, दी आर्मी, और जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है राजा के ऑफिस में, राजा के दरबार में काम करने वाले लोग बाग होते हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। वहां पे पहले क्या था, ट्राइबल बेस सिस्टम था, अब इन्होंने क्या कर दिया, नॉन ट्राइबल बेस, यानी कि पहले कबीला के जो अधिकारी होते थे, कबीलों से जुड़े हुए जो पीपल्स होते थे, उनका पार्टिसिपेशन रहता था, अब्बासिद ने आने के बाद में उस पार्टिसिपेशन को चेंज कर लिया। और इन्होंने किन लोगों को लिया, ईरान और जो खुरासान के जो लोग पास थे उन पीपल्स को लेने लगे। जैसे मैंने कहा अरब का इन्फ्लुएंस कम होने लगा, ईरानियों का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ने लगा। अब्बासी जो रूलर थे उन्होंने कुछ सिस्टम चेंज किया, उन्होंने रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ द खलीफा, खलीफा के जो धार्मिक विचार वगैरह थे उनको इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। और पैट्रोनेज किया, मतलब कि संरक्षण दिया, हेल्प करने लगे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस की, और स्कॉलर जो विद्वान होते थे, इस्लाम की एजुकेशंस लेते थे, उनकी ये लोग हेल्प करने लग गए, ठीक है। अच्छा, अब दे लेकिन क्या हुआ, बट देयर वर फोर्स बाय द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द स्टेट, लेकिन सरकार की मजबूरी को देखते हुए क्या करना था, पूरे एम्परर का सेंट्रलाइजेशन करना था। सेंट्रलाइजेशन करने का मतलब क्या होता था, कि कोई भी ऑर्डर जो है एक पर्टिकुलर बंदा दे। इन्होंने क्या किया, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह बना दिया, पहले सलाह मशवरा से, तो जब कोई भी काम जब सलाह से किया जाता है अच्छी बात है कि वो काम अच्छा होता है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। अब क्या हो गया, इन लोगों ने पूरी तरीके से, अब्बासिद ने सारा कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ उमायद के जो फंक्शंस थे उनको इन्होंने चालू रखा। जैसे क्या थे, इम्पीरियल आर्किटेक्चर एंड एलोबरेट कोर्ट सेरेमनीज, मतलब कि महल वगैरह बनवाने का जो तरीका था, जो उमायद इस्तेमाल करते थे वो ही रखा, और सेरेमनीज मतलब जो कोर्ट के अंदर के फंक्शंस वगैरह होते थे उन्होंने इनको मेंटेन रखा। अच्छा, जिस उमायद ने अपने आप को ये प्राइड हो रहा था उसको, कि मैंने राजतंत्र, लोकतंत्र जो था उसको मैंने खत्म कर दिया है, राजतंत्र को मैंने